नमस्कार दोस्तों, मैं वेद दुबे मुंबई से। सबसे पहले मैं अपने तमाम भाइयों से निवेदन करूंगा, कृपया मुझे वो बिहार वैशाली की सस्ती सनी लियोनी की सेक्स वीडियो ना भेजें। सॉरी वो समाज सेविका जो अपने आप को कहती है और सोशल मीडिया की सस्ती वाली सनी लियोनी किरण यादव, उसकी गंदी गंदी वीडियो मुझे ना भेजें, सेक्स करते हुए वीडियो ना भेजें, उसकी खुद की बनाई हुई वीडियो मुझे ना भेजें। मुझे नहीं पता था कि मैं इतने बड़े धुरंधर से लड़ रहा हूँ। मुझे नहीं पता था कि ये जो सोशल मीडिया की सनसनी है, जो कपड़े उतार के लोगों के बीच में चर्चित होना चाहती है, ऐसी औरत के साथ मेरी लड़ाई है। मुझे तो शर्म आती है उसके परिवार और उसके पति पे खास तौर पर कि इसकी इतनी दयनीय हालत है। इसके बाजुओं में दम नहीं है इसके मर्द के कि अपने कमा के अपनी औरत को खिला सके, और आखिर में कपड़े उतरवा के उसकी वीडियो बनवाई जा रही है और सोशल मीडिया पे सनसनी बन के घूम रही है। इस औरत के अंदर इतनी खुजली है कि इसे चर्चित रहना है चाहे जैसे। जब ये अपनी बकचोदी करके सोशल मीडिया पे इसका पेट नहीं भरा, लोग सुनते नहीं थे इसके मुंह से निकले हुए संडास को, तो ये बिचारी अपने कपड़े उतार के चर्चित होने का चस्का लग गया। और मैं परेशान हो गया हूँ जब से मैं बिहार से आया हूँ इस गुलनाज के मामले में। ये किरण यादव की कम से कम सैकड़ों वीडियो मुझे लोगों ने भेजी है। मुझे शर्म आती है, इस जैसी औरत भी आजकल समाज सेविका कहलाती है, सोशल एक्टिविस्ट कहलाती है, तो मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ देश के सामने कि इस तरह की बेगैरत औरत जो अपने कपड़े तक उतारने में शर्मिंदा नहीं होती, ये अब समाज में गुलनाज का चरित्र बताएंगी। इन जैसी दो कौड़ी की दलाल औरत कि गुलनाज का चरित्र कैसा था, जरा सुनिएगा। ये भोसड़ी वाली, ये भड़वी और दलाल, मैं तो वैश्या तक कहना चाहूंगा कि इस वैश्या ने एक पवित्र गुलनाज जिसने अपनी इज्जत बचाने के लिए अपने आप के शरीर को जलाने तक की लड़ाई लड़ी, 15 दिन तक मौत से लड़ी, अपना चमड़ा तिल तिल जलते रहा और सड़ते रहा, ये उस अस्पताल के बेड पे पड़ी पड़ी महसूस करती रही, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। उसकी सजा केवल इतनी थी, उसने अपनी इज्जत आबरू लूटने नहीं दी। और उस गुलनाज, उस पवित्र गुलनाज के लिए ये भोसड़ी वाली क्या कह रही है, जरा सुनिएगा। ये मामला कुछ भी नहीं है। देखिए, ये लड़का लड़की दोनों प्रेम करते थे और लड़की का शादी होने वाला है। आप लोग देख रहे होंगे, वो बयान में दे रही है अपना। तो मुझे पता चला है कि इसी के चक्कर में लड़की ने खुद को जलाया है। किसी लड़के ने जलाया है, ये गलत बात है। किसी लड़के ने नहीं जलाया है, बल्कि लड़का और लड़की दोनों ही प्रेमी जोड़ा थे जिनका अफेयर 2 साल से चल रहा था और इसी की शादी का दबाव चल रहा था। दोनों पे लड़ाई झगड़ा चल रहा था, लड़का लड़की में भागने की, शादी करने की। वो लड़की भी बयान में दे रही है कि बोला था कि भाग मेरे साथ में शादी के लिए, बोल रही थी वो लड़की। गुलनाज को किसी ने जलाया नहीं था, गुलनाज ने खुद जल गई थी क्योंकि वो एक हिंदू लड़के के प्रेम में थी। इस तरह का आरोप एक औरत होकर लगाना इतना शर्मिंदगी महसूस कराती है हम सभी को। किस तरह की दलाल औरतें भी हैं जो पैसे के लिए किसी भी हद तक चली जाएंगी, जो शोहरत पाने के लिए किसी भी हद तक चली जाएंगी। हमने तो सुना था ये सिर्फ कपड़े ही उतारती हैं और वीडियो ही बनाती हैं। मैं एक छोटी सी फोटो दिखाना चाहूंगा, इस औरत का असली चरित्र क्या है, जरा देखिएगा। खुद कैमरा लगाकर, अपना साड़ी उठाकर, क्रियाकलाप करती हुई वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे डालने वाली औरत भी अब गुलनाज के चरित्र का सर्टिफिकेट बांटेंगी। ये तो इस कलयुग की सबसे बड़ी पराकाष्ठा है। हंसने आता है कि इस जैसी दलाल औरत जिसको इतनी खुजली है कि कहीं पर भी उंगली करने लगती है, इस तरह की औरत भी अब समाज सेवा करने आई है। बहुत ही शर्मिंदगी है इस देश के लिए कि किस किस चूतिए और नमूनों को हमने अपने सर पे बिठाया है। ये वही औरत है जो आज गुलनाज की मां तक को गंदी कह रही है। वो मां जिसने अपनी जवान बेटी को खोया है, 15 दिनों तक पैसे के लिए इस औरत के पास भीख मांगा है,
वो पैसा जो गुलनाज के इलाज के लिए पूरे देश ने इस भिकारन को भेजा था, ये पूरा पैसा गुलनाज की लाश, उसकी सड़ी हुई चमड़ी को दिखा दिखा कर लोगों को भावुक करके इसने भीख मांगा और आखिर में इलाज तक न होने दिया। मैं पूछना चाहता हूँ इस किरण यादव के उस महान पुरुष, उसके पति देव को, कि भोसड़ी वाले, अरे वो भड़वे, तेरे हाथ में इतना दम नहीं था क्या कि दो रोटी कमा के अपनी पत्नी को खिला लेता? तेरे हाथ में इतनी औकात नहीं थी क्या कि तू अपने पत्नी का पेट पाल लेता? आखिर वो आज कपड़े उतार के वीडियो बना रही हैं, एक मरी हुई लड़की का चरित्र हनन कर रही हैं, यहाँ तक कि एक सड़ी हुई लाश से भीख मांग के पाए हुए पैसे तक खाने को तुम लोग उतारी हो गए हो। किरण यादव और उसके पति को मैं कहना चाहता हूँ, मैंने देश में बड़े बड़े भिखारी देखे, लेकिन तुझ जैसा भिकमंगा और तुझ जैसा भिखारी पुरुष, पति अपने आप को कहनाने लायक, तुझे देख के बहुत शर्म आती है। आज पूरा पुरुष समाज कलंकित होता है तुझ जैसे आदमी के ऊपर, क्योंकि तेरी जो पत्नी है ना, वो कपड़े निकाल के लोगों का मनोरंजन कर रही है और तू भोसड़ी वाला पूरे देश से सिर्फ चंदा मांग के, भीख मांग के अपना परिवार पाल रहा है। कैसे तेरा बच्चे से तू अपना निगाह मिला पाता है? मुझे शर्म आती है कि इस धरती पे तेरे जैसे भी बोझ हैं, जो बीवी के अंतर वस्त्र दिखाकर, बीवी के वो अंग दिखाकर पैसे की कमाई कर रहा है जो कभी कोई सपने में भी सोच नहीं सकता। तुझसे अच्छा तो वैश्यालय पे बैठा वो दलाल है, कम से कम वो खुल के कहता है कि अंदर वैश्याए हैं, जाइए और मेरी दलाली दीजिए। तेरे से तो लाख गुना बेटर वो दलाल है साले जो कोठे पे बैठते हैं। तुम लोग तो समाज सेवा का चोला ओढ़ कर भीख मांग कर अपना घर चलाने वाले, और तुम आओगे इंसाफ कराने। इंसाफ तो हम अब तुम्हारा कराएंगे। तुम्हारी जितनी काली करतूते हैं, जिस तरह से तुमने आरोपियों से पैसे लेकर अस्पताल में निगरानी की कि उस जली हुई बेटी की मदद करने के लिए कोई ना आ पाए, अगर कोई आता भी है तो उसे दूर हटा दो ताकि ये लड़की मर जाए और उसके लाश पे हम पैसे कमाएं, तो इस तरह की मानसिकता रखने वाले तुम पति पत्नी, तुम्हारी तो हम वो धजियां उड़ाएंगे जो तुम सोच भी नहीं सकते थे। तुझे क्या लगा था तुम आओगी किरण यादव और वीडियो बना के बकचोदी करोगी और देश तालियां बजाएगा? तुम अपने साड़ी की पल्लू हटाओगी, अपने ब्लाउज खोलोगी और लोग तो तालियां बनाएंगे, मनोरंजन करेंगे? तुमने तो हद कर दी है। एक जली हुई लड़की जिसको इलाज की सख्त जरूरत थी, उसके नाम पे तुमने पैसे खाए और उस बच्ची को तिल तिल मरने दिया। मैं कहना चाहता हूँ, तुम जैसी औरतों को ही डायन कहा गया है। हम तो सुनते थे कहानियों में कि ऐसी डायने होती थी जो लाश नोच नोच के खाती थी। आज किरण यादव जैसी महिला को देख के ये कन्फर्म हो गया कि हमारी जो पुरानी कहानियां थी, कहावतें थी, वो गलत नहीं थी। आज सिर्फ कपड़े बदले हैं, वेशभूषा बदली है, लेकिन डायन किरण यादव के जैसे चेहरों में आज भी जिंदा है और उसको उसके पैसों से, उसके कमाए पैसों से पेट पालने वाले ऐसे हिजड़े और नामर्द, एक मक्कार और क्या कह सकते, जितनी गालियां आती है आप दे सकते हैं इस जैसे पुरुष जो पति बन के घूम रहे हैं उनके बहादुर से, उन जैसे चूतियों को कहना चाहूंगा, अगर कुछ नहीं कर सकता तो फ्रूट का, फल का एक ठेला लगा लेता, तेरी औरत की कमाई खाने से तो तू बच जाता। पता नहीं कितने बेशर्म ये परिवार है, कितना बेशर्म और गिरा हुआ ये इंसान है जो अपनी पत्नी के कपड़े उतरवा कर, लोगों से पैसे भीख मांग कर, इलाज के नाम पे भीख मांग कर अपना परिवार और अपने बच्चे का पेट पाल रहा है। पता नहीं अपने बच्चों से कैसे निगाह मिला पाते होंगे। छी है तुम पे। और पूरे बिहार से मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से गुलनाज के लिए इंसाफ की आवाज उठ रही है, आवाज उठाते रहें। सबसे बड़ी जो आरोपी इसमें निकली है वो ये किरण यादव है। अगर सही समय पे इलाज दे दिया होता, पैसे रहने के बावजूद इसके जेब से एक चवन्नी नहीं गई, उल्टा देश ने जो इसको भेजा वो भी ये पैसा खा गई, अगर वो इलाज करा देती तो गुलनाज आज हमारे बीच होती, भले जिस कंडीशन में होती कम से कम जिंदा होती। तो सबसे बड़े जो आरोपी, वो तीन तो जिन्होंने जलाया हमने देखा है, लेकिन चौथी सबसे बड़ी आरोपी ये किरण यादव है। ये बचनी नहीं चाहिए दोस्तों, इसको कानूनी लड़ाई लड़नी है, इसके ऊपर FIR कराना है और इसको एहसास कराना है कि आखिर इसने गुलनाज के साथ कितना गलत किया है। 15 दिन तक वो बच्ची तड़पती रही होगी और आखिर में अपनी सांसें छोड़ दी सिर्फ इस नालायक, नीच और दलाल औरत की करतूत की वजह से। कितना पैसा कमा लिया होगा किरण यादव, कितना बचा लिया होगा इस बच्ची के नाम पे। लानत है तेरी जिंदगी पर, लानत है तेरे पति पर जो इस जैसी औरत को सपोर्ट करता है। दोनों को भगवान इसी तरह की सजा दे, ये मैं निवेदन करता हूँ। और आने वाले कुछ दिनों में मैं वापस आ रहा हूँ और बिहार सरकार अगर इसमें थोड़ी भी लापरवाही बरतती है तो उनकी धजियां उड़ा दूंगा, ये मैं शब्द देता हूँ। मिलते हैं बहुत जल्द। जय हिंद,
जय महाराष्ट्र।